देखिए दोस्तों, समर्पण से सफलता मिलती है और अच्छा मार्गदर्शक मिल जाए तो सफलता निश्चित रहती है। मुख्य साहब के निर्देशन में काफ़ी लोग सेलेक्ट हुए हैं और बाकी लोग तैयारी कर रहे हैं। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम में उपस्थित सभी सम्मानीय नागरिकगण, अधिकारीगण, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यातायात जन्मदिन भी मनाते अपन, सालगिरह बनाते हैं, शादी ब्याह सभी खुशी से मनाते हैं, परंतु अब एक चिंता का विषय हो गया यातायात। सभी ध्यान देंगे, सभी तरह ध्यान दीजिए, बहुत महत्वपूर्ण बात हो रही है। यातायात चिंता का विषय हो गया है, इसको सुधारने की बहुत जरूरत है। इंदौर की स्वच्छता में पहचान तो है और शहर की अगर आप जागरूक नागरिक हैं तो अगर आपका यातायात बहुत अच्छा है और जो बाहर के लोग आते हैं देखते हैं कि यहाँ का यातायात कितना सुंदर है तो वो एक नागरिक की पहचान बनती है और ये पहचान बनती है कि यहाँ का नागरिक बड़ा संवेदनशील, समझदार और जागरूक है, यहाँ का यातायात कितना अच्छा है। परंतु ये परिस्थिति नहीं है, सड़कें छोटी होती जा रही, वाहन बहुत अधिक संख्या में बढ़ते जा रहे हैं, तो अब आपको ट्रैफिक नियमों का पालन करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। ट्रैफिक नियम पालन करिए और इंदौर को स्वच्छता में नंबर वन रखिए और यातायात को भी नंबर वन बनाइए। और आज जैसे हम हर कार्यक्रम में जाते हैं और हमें एक सफर जरूर दिलवाते हैं, सफर से निश्चित ही कुछ ना कुछ सुधार की आवश्यकता होती है और सुधरता भी है। आप सब लोग सफर देंगे तो एक मिनट की सब खड़े हो जाओ, सभी खड़े हो जाइए, बहुत अच्छा अवसर है। सभी अपना दाएं हाथ रख लीजिए सामने। हम शपथ लेते हैं कि इंदौर शहर को स्वच्छता में नंबर वन बनाया है, अब हम यातायात में भी नंबर वन बनाएंगे। सड़क पर चलते समय हेलमेट पहनेंगे, 3 सवारी नहीं बैठेंगे, सिग्नलों का पालन करेंगे, यातायात के सभी नियमों का पालन करेंगे। धन्यवाद।